हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप? वेलकम टू माय चैनल आरसीएम ग्रेट लाइफ। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा दिल्ली गुड़गांव टू कन्याकुमारी एक बहुत शानदार रोड ट्रिप चल रहा है और हम पिछले 3 दिन से मुंबई में ही हैं और आज हमारा मुंबई का लास्ट डे रहेगा और हम लोग आज रहेंगे नवी मुंबई में। और नवी मुंबई में हम अभी जा रहे हैं आइकिया और वहाँ पर हम लोग एंजॉय करने वाले हैं, वहाँ पर हम लोग कुछ शॉपिंग भी करने वाले हैं और उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे गोवा। तो आज का दिन हमारा अभी नवी मुंबई में रहेगा, तो मैं भी बिल्कुल नया हूँ और मुझे नहीं पता हम क्या करने वाले हैं, कहाँ जाने वाले हैं। आइकिया हमें फाइनल है जाना है, उसके अलावा जो जो अच्छी अच्छी लोकेशंस होंगी जहाँ जहाँ मौका मिलेगा मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो चलते हैं नवी मुंबई, आमची मुंबई। ये जो रोड है हमने का अंधेरी साकीनाका मेट्रो स्टेशन से निकल करके टुवर्ड्स घाटकोपर रोड पे हम लोग अभी चले हैं और अभी मेट्रो पुल के साथ साथ मेट्रो के साथ साथ ही चल रहे हैं नीचे से और बहुत अच्छी हमारी आज की जर्नी रहेगी। बोलना चाहता हूँ कि आप टाइम निकाल करके हमारे वीडियोस देखते हैं और जब आप लाइक करते हैं तो मुझे इतनी खुशी होती है, इतना मोटिवेशन मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। तो जैसा कि आप देख ही रहे हैं, अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस देखे हैं तो आपने देखा ही होगा कि सीधा जाना नहीं, राइट लेफ्ट सीधा
तो आप हमारे वीडियोस देखते ही हैं और तो आपने देखा ही होगा, हम लोग मुंबई में थे पिछले 3 दिन से और कल हम नवी मुंबई में थे। हमारे फैमिली फ्रेंड हैं भरत जी, उनके घर पे, हिमानी जी उनके घर पे, और बहुत अच्छा हमारा यहाँ पर टाइम स्पेंड हुआ। बहुत अच्छी हमें यहाँ पर ट्रीटमेंट मिली, बहुत प्यार मिला। और अभी हम लोग निकल चुके हैं गोवा के लिए, और बिल्कुल नई डेस्टिनेशन, नहीं सॉरी डेस्टिनेशन तो नई नहीं है लेकिन रास्ता नया है, क्योंकि मैंने पहले भी बोला था और आज फिर से बोल रहा हूँ कि गोवा में कई बार गया हूँ, फ्लाइट से गए, ट्रेन से गए, लेकिन बाय रोड पहली बार। तो बड़ा अच्छा महसूस कर रहे हैं हम लोग और बिल्कुल निकल चुके हैं सुबह के साढ़े पाँच बज चुके हैं और बिल्कुल फ्रेश होकर के हम निकल गए हैं गोवा के लिए। और बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत एक्साइटेड है, बहुत खुश है, बहुत मज़े में है, बहुत बिंदास हैं, बहुत झकास हैं और गोवा के लिए तैयार हैं। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से एक बार, कैसे बना ये आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, और तिनका तिनका उठाना होता है, तिनका तिनका उठाना होता है। तो बस तिनका तिनका उठाते हुए छोटे छोटे कदमों के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं, मजा आ रहा है। चलो मिलते हैं आगे। बोलती तू आती क्या खंडाला, सुना है ना आपने ये गाना? तो बस हम लोग वहीं से ही निकल रहे हैं, लोनावला हमारे राइट साइड में है हम लोग। तो आपने बहुत फिल्मों में नाम सुना होगा, आज आप खंडाला के पहाड़ देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। तो बहुत अच्छे से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, पर हम अभी और 1 घंटे के अंदर पूना क्रॉस कर लेंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत हसीन वादियां हैं, बहुत शानदार मौसम भी हो चुका है, सुबह है, दिन निकल चुका है और सब कुछ बहुत शानदार हो रहा है। पहाड़ दिखाओ, देखो कितने सुंदर लग रहे हैं पहाड़ उधर ऊपर। ए
क्या बोलती तू, ए क्या मैं बोलू, सुन सुना हाथी का खंडाला, सुन सुना हाथी का खंडाला। पहाड़ों में से निकलते हुए, ऐसे बार बार टनल्स में से निकलते हुए हम लोग पूना की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत शानदार रोड्स हैं और इस तरीके से इंजीनियरिंग की गई है कि पहाड़ों के बीच में से गुफाएं बना बना करके सड़क हाईवे निकाल रही है। कमाल पुणे यहाँ से 45 किलोमीटर पड़ता है। कालेगांव 1917 इतनी सारी विविधताएं हैं। कहीं आपको लगेगा ऊंचे ऊंचे पहाड़ आ जाएंगे, फिर आपको लगेगा सीधे सीधे बिल्कुल मैदानी इलाके आ जाएंगे, फिर समुंदर आ जाएगा। तो कमाल है, कमाल, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है मुंबई टू गोवा का बाय रोड। फ्लाइट से तो आपको पता ही नहीं चलता, आप आधे पौने घंटे में पहुंच जाते हो, लेकिन अगर आपको सही मायने में मुंबई टू गोवा का जर्नी को एंजॉय करना है तो बाय रोड तो करना ही चाहिए, एक बार तो जरूर करना चाहिए, मुंबई टू गोवा टू मुंबई या मुंबई टू गोवा बाय रोड। पर अभी तो हम कल मुंबई में थे तो हमें वहाँ पे किसी ने बताया कि क्रूज भी शुरू हो गया है, तो आप चाहें तो मुंबई से गोवा या गोवा से मुंबई क्रूज भी कर सकते हैं, लेकिन बाय रोड का तो मजा ही अलग है। तो लेकिन ये तो पक्का है कि हम लोग क्रूज भी करने वाले हैं एक बार, बहुत एंजॉयबल है, बहुत मज़ेदार है। लेकिन मैं कल भी एक बात बोल रहा था पिछले वीडियो में भी, और यही बात मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप सफ़र का मज़ा नहीं लेंगे तो मंजिल पर जाकर थकेंगे, लेकिन अगर आप सफ़र का भी मज़ा लेते हुए चलेंगे तो जब मंजिल आपको मिलेगी तो वो मंजिल पे पहुँचने का मज़ा ही अलग आएगा। तो वो कहते हैं कि एक बात और मैं बोलना चाहता हूँ अभी, जैसे कि हमने जब 1000 किलोमीटर पूरा किया था तब भी अब हमारे साथ थे जब हम अहमदाबाद पहुँचने वाले थे, और अब हम पूना से निकल चुके हैं और हमारा 4190 किलोमीटर हो गया, यानी 4200 होते ही हमारा 2000 किलोमीटर कंप्लीट हो जाएगा। और यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से एक बार कैसे बनाए आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार और तिनका तिनका उठाना होता है, तिनका तिनका उठाना होता है। तो हम भी ऐसे छोटे छोटे कदम बढ़ाते हुए, जैसे पक्षी बोलते हैं तिनका तिनका उठाते हुए, थोड़ा थोड़ा जगह पे रुकते हुए, चलते हुए आगे ग्रो करते, आगे बढ़ते हुए हम लोगों ने 2000 किलोमीटर पूरे कर लिए हैं अपने, और उम्मीद है कि 6000 किलोमीटर भी पूरे कर पाएंगे। तो ये हमारा एक और माइलस्टोन कंप्लीट हो गया है, 4191 पे हम लोग आ चुके हैं, और 9 किलोमीटर कंप्लीट होते ही हमारे 2000 किलोमीटर भी पूरे हो जाएंगे, और बड़ा मज़ा आ रहा है, पता ही नहीं चल रहा, कुछ पता चल रहा है भाई 2000 किलोमीटर आ गए हम तो, बड़ा मज़ा आ रहा है और बहुत अच्छे यहाँ पर नज़ारे हैं देखने के लिए। और एक गाना भी सुनाना चाहता हूँ, धरती सुनहरी अंबर नीला, धरती सुनहरी अंबर, देखो उधर दिखाओ कितना सुंदर नज़ारा है, बैकग्राउंड में मेरा मेरा गाना चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। धरती सुनहरी अंबर नीला,
ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। थैंक यू। रेस्टोरेंट में है और मुझे किसी ने बताया था कि अगर आप महाराष्ट्र जाएंगे तो वहाँ पर सोल कड़ी ज़रूर ट्राई करना। तो मुझे यहाँ पर एक लगा हुआ दिखा सोल कड़ी, तो मैंने अभी पता किया यहाँ पर अवेलेबल है। तो सोल कड़ी मैं आपको दिखाऊंगा, ड्रिंक है, महाराष्ट्र की एक बहुत अच्छी ड्रिंक है, हम वो ट्राई करेंगे सोल कड़ी। जैसा बताया था मिक्स टेस्ट है, काच भी है इसमें और एक तो फील करना पड़ता है, काच है जिसमें चम्मच भी डाला गया है, मसाले भी हैं, ओवरऑल बहुत ही। थैंक यू। सोल कड़ी मराठी सोल कड़ी। हाथी क्या खंडाला, आपने गाना सुना होगा हाथी क्या खंडाला, ये वही खंडाला है। इस जगह को बोलते हैं जहाँ पर हम अभी इस पहाड़ी में चढ़ रहे हैं, इस जगह का नाम है खंडाला घाट। तो उस गाने की वजह से ये जगह मशहूर हुई और आप देखें लाइव खंडाला। अभी इसी पहाड़ी पे चढ़ना है हम लोगों को और क्रॉस करके परली तरफ जाना है।
ये जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ आप देख रहे हो ना, मैं अभी स्टडी कर रहा था, गूगल में मैंने स्टडी किया है और बहुत अच्छी बात मुझे यहाँ से पता चली कि हम लोग बचपन से पढ़ रहे थे और सुन भी रहे थे कि सह्याद्री जो पर्वतमाला है, सह्याद्री माउंटेन रेंज, ये जो एरिया है ये सह्याद्री माउंटेन रेंज में आता है। और ये जो ऊंचे पहाड़ आप देख रहे हैं, ये उधर देखो बड़े बड़े ऊंचे पहाड़ दिख रहे हैं, जो ये सह्याद्री माउंटेन रेंज है। हम लोग कर्नाटक बॉर्डर एंटर कर चुके हैं और कोल्हापुर महाराष्ट्र का यहाँ से आखिरी शहर था। और कोल्हापुर से बाहर निकल के करीब 10-12 किलोमीटर हम लोग आए और फिर कर्नाटक बॉर्डर आ गया। लेकिन इस कर्नाटक बॉर्डर NH-48 जो हमारे गुड़गांव से शुरू हुआ था वो अभी तक NH-48 ही चल रहा है। और अब दोबारा से हम NH-48 को छोड़ के, क्योंकि अब NH-48 तो आ चुका है कर्नाटक के अंदर, लेकिन हमें NH-48 को छोड़कर रत्नागिरी की तरफ शायद जाना है राइट में, तो ये सीधा हाईवे बेंगलोर जाएगा और हम चले जाएंगे गोवा के लिए अंदर रत्नागिरी की तरफ। और मुझे उम्मीद है कि जब हम वापस आएंगे गोवा करके तो वापस हमें शायद फिर से NH-48 ना मिले, क्योंकि मुझे तो पूरी नॉलेज नहीं है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारी जानकारी बढ़ती जा रही है। अब देखें कर्नाटक के शानदार शानदार नज़ारे आपको नज़र आ रहे होंगे, खुले खुले लैंडस्केप्स, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़, दूर दूर तक फैले खेत, ग्रीन शानदार नज़ारा आपको यहाँ पर दिखेगा। तो अभी हम लोग कर्नाटक में आ चुके हैं और दोबारा से महाराष्ट्र में जाने की प्लानिंग चल रही है और महाराष्ट्र से रत्नागिरी होते हुए फिर दोबारा से जाएंगे। व्यू तो शानदार है ही, नज़ारा बहुत अच्छा है, जरूर आप देखिए। ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। क्या नज़ारा है यार, क्या नज़ारा है। Proud to be Indian. मुझे नहीं पता था कि रोड ट्रिप में इतना मजा आता है, इतना सब कुछ आपको नया देखने को मिलता है। हम लोग तो ट्रेन से फ्लाइट से फटाफट पहुंच जाया करते थे और ये समझते थे कि हम गोवा पहुंच गए फटाफट, लेकिन मुंबई से गोवा अब रोड से आना अलग ही अनुभव है, अलग ही खुशी है, अलग ही मजा है। सो गाइस, हमने अभी थोड़ी देर पहले बेंगलोर हाईवे को छोड़कर गोवा वाले रोड पे आ चुके हैं। हमने राइट टर्न लिया कोल्हापुर से करीब 12 किलोमीटर आगे हमने राइट टर्न लिया, उसके बाद ये निपानी एक जगह है, यहाँ से हमने लेफ्ट लिया और अब अम्बोली और सावंतवाड़ी होते हुए, मापसा होते हुए हम लोग कालीकोट बीच पहुँचने वाले हैं। और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है, यहाँ से हम लोग जा रहे हैं, ये रास्ते हम लोग सीधा मापसा जाते थे या ट्रेन से आते थे तो सावंतवाड़ी आता था हमारे रास्ते में, लेकिन अभी लोग हम लोग यहाँ से जो जा रहे हैं ये अच्छा एक्सपीरियंस हमें नज़र आ रहा है। तो बहुत जल्दी गोवा के हम नज़दीक हैं, बिल्कुल गोवा यहाँ से 150 किलोमीटर है अभी, लेकिन गोवा के रोड्स आने शुरू हो गए हैं। तो मिलते हैं जल्दी आके गोवा में थोड़ी देर में। तो हरे भरे बड़े बड़े पेड़ों के बीच में से निकलते हुए हम लोग गोवा की तरफ बढ़ रहे हैं और हमने बहुत मज़ेदार कर्नाटक के जामुन भी अभी अभी एंजॉय किए हैं, कमाल के जामुन हैं। और हमें अभी देवगिरी के हाफुस आम भी मिले, आम दिखाना,
ये काम दिखा। तो हमें अभी अभी ये देवगिरी के आम भी मिले, हाफूस आम, और आज रात को हम अपना खुद का खाना बनाने वाले हैं, क्योंकि हमने एक फ्लैट बुक किया हुआ है जिसमें प्रॉपर किचन हमें मिलेगी। तो हम लोग अपना खुद का खाना कुक करेंगे आज, और आम भी खाने वाले हैं, हाफूस आम महाराष्ट्र देवगिरी के। और बहुत अच्छा सा अभी हम लोग चल रहे हैं और गोवा बिल्कुल पहुंचने वाले हैं। अभी राइट टर्न के लिए गूगल हमें बोल रहा है, तो राइट टर्न करेंगे और फिर सावंतवाड़ी होते हुए गोवा पहुंचेंगे। ये कौन सा गांव है? आजार। ये है आजारा, आजारा है ये, और ये महाराष्ट्र में पड़ता है। अजारा से लेना है राइट। अम्बोली सावंतवाड़ी गोवा। तो गाइस आप देखिए, दिन में अंधेरा, कितना घना ये जंगल है कि अभी दिन में बिल्कुल अंधेरा है। अभी हम जैसे एंटर किए रोड में, इतने पेड़ हैं, इतनी ग्रीनरी है यहाँ पे। ओ क्या घना जंगल है, देखना। ये है गोवा और कर्नाटका बॉर्डर, नहीं सॉरी, गोवा और महाराष्ट्र का बॉर्डर, और बॉर्डर एरिया पे सारे जंगल ही जंगल हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़, घना जंगल। वाओ ग्रेट। तो गाइस अभी सावंतवाड़ी का फॉरेस्ट एरिया ये चल रहा है, और चलते चलते जैसे हम चल रहे थे तो वहाँ कब कब में हम पहाड़ों में चढ़े हमें पता नहीं चला, लेकिन यहाँ पर जैसे ही हमने गोवा में अभी एंट्री कर रहे हैं, हम लोग सावंतवाड़ी के आसपास आ गए हैं, तो अचानक हमें पता चला राइट साइड में बहुत गहरी गहरी खाइयाँ हैं, बहुत गहरी गहरी खाइयाँ थी, और मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने कह रहा ये कैसे। तो अभी बिल्कुल हम लोग बिल्कुल स्टीप ढलान है और उतरते चले जा रहे हैं, और अंधेरा हो चुका है, और हमें करीब करीब नहीं तो दो तीन चार पांच अलग अलग जगह पे लंबे लंबे जाम मिले, क्योंकि कई जगह पे पुल बन रहे थे। और ये लास्ट का जो 150 किलोमीटर है ये तो बहुत ही जो है, रास्ता भी चौड़ा नहीं है और कई जगह पे सड़क भी बन रही थी। तो जहाँ पर हम लोगों को जो गूगल शो कर रहा था कि हम शाम को 4:30-5 बजे पहुँचने वाले थे, और अभी 8 बजने वाले हैं। अभी हम लोग गोवा से 70 किलोमीटर अभी भी पहले हैं, और बहुत जो कह सकते हैं कि संकरा पतला रोड है, हिल एरिया है, इधर बहुत गहरी खाइयां हैं, मतलब वेलकम टू गोवा सिंघम, वेलकम टू गोवा। तो फाइनली, मजाक के मूड में हूँ थोड़ा सा, फाइनली हम लोग गोवा बॉर्डर एंटर कर चुके हैं, और यहाँ से पंजिम 46 किलोमीटर, और यही हाईवे सीधा मडगांव, और यही हाईवे सीधा मैंगलोर। हम लोग निकल जाएंगे यहीं से सीधा, और मोपा एयरपोर्ट भी अभी हमारे शायद रास्ते में ही आएगा, और मापसा होते हुए हम लोग पहुँचेंगे कालिंगुट। और यहाँ तक के रोड मैंने नहीं देखे थे, लेकिन इसके आगे के रोड मैंने बहुत बार देखे हैं, बहुत बार हम लोग ट्रेन से फ्लाइट से जब भी आए हैं तो हम लोग एक्टिवा रेंट करके खूब घूमते हैं इन सड़कों पे, और इसके आगे के सड़कें, आगे की सड़कें मेरे लिए बिल्कुल फैमिलियर हैं, और बहुत सालों से बार बार देखता रहा हूँ मैं। तो अब तो समझो गोवा आ गए, तो वापस ऐसा लगता है जैसे अपनी शहर में वापस आ गए।
तो चलते हैं अपने फ्लैट में, तो मैं आपको दिखाता हूँ हमारा फ्लैट कैसा है और मिलते हैं घर पे। सो गाइज, हम लोग पहुंच गए अपने फ्लैट पे, अपने घर पे, और जैसा कि आप देख पा रहे हैं छोटा सा 1 BHK फ्लैट हमें मिला है। ये हमारा छोटा सा बेडरूम है, ये सोफा कम बेड है, और ये हमने सब अपना सामान वामान सब सेट कर दिया है, कब्जा कर लिया है घर पे। और ये हमारी छोटी सी किचन है, और किचन में देख रहे हो हमारा छोटा सा फ्रिज, माइक्रोवेव, क्या बोलते हैं, इंडक्शन चूल्हा, टोस्टर, और ये सब बर्तन भी हमारे बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए यहाँ पे। और बहुत अच्छा छोटा सा घर हमारा गोवा में 3 दिन के लिए, अब हम 3 दिन यही रहने वाले हैं और खूब घूमने वाले हैं, मस्ती करने वाले हैं। तो मिलते हैं कल गोवा में, और गोवा में जो जो चीज़ें हम देखेंगे वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो आप बने रहें हमारे वीडियो में इस तरीके से, और आज की यात्रा आपने देखी कैसे हम मुंबई से गोवा पहुँचे रहे थे, और बहुत एंजॉय करते हुए हम यहाँ पहुँच चुके हैं। और मिलते हैं कल, थैंक यू, जय हिंद, नमस्ते।